Hey everyone, welcome to Candid Treat and I'm back with the another restaurant style paneer recipe. और आज की रेसिपी होगी शाही पनीर की और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल ही सिंपल तरीके के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालें और इसे हाई फ्लेम पर 30 से 40 सेकेंड के लिए गर्म करें और उसके बाद फ्लेम को लो कर दें और इसमें डालें 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग, 2 से 3 दालचीनी और 6 से 7 कुटी हुई काली मिर्च और 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च और इन सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर अभी फ्लेम को लो रखें और इसमें डाल दें 10 से 12 काजू और इसे भी 10 से 20 सेकंड के लिए पका लें और अब इसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब इसमें डाल दें 3 कटे हुए प्याज और अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। तो शाही पनीर की ग्रेवी के रेशियो के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप 2 प्याज यूज़ कर रहे हैं तो 4 टमाटर यूज़ करें। यहाँ प्याज को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अब इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून के करीब नमक या फिर जितना नमक आपको पसंद हो अपनी ग्रेवी में और 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और अब प्याज को तब तक पकाएं जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए और इसे होने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो इसे आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाएं और बीच बीच में चलाते भी रहें और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज बहुत ही अच्छे से पक चुका है और हल्का गोल्डन भी हो चुका है और इसे पकाते हुए मुझे यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें डाल दें 6 कटे हुए टमाटर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और इसे भी हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और अब यहाँ पर डाल दें 1/2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून चीनी जिससे कि सब कुछ अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें और तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर हल्का गल ना जाए। तो यहाँ टमाटर को पकने में 10 मिनट लग सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी टमाटर बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और जब यहाँ पर अब टमाटर अच्छे से पक चुके हैं तब इसमें हमें डालना है 40 से 50 ml के करीब पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें और मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक के लिए और पकने दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे हमें ग्राइंड करना है और यहाँ पर मेरी ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से स्मूथ ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद एक छन्नी लें और इसे उसमें डाल दें और इसे अच्छे से छान लें। तो यहाँ शाही पनीर के लिए हमें बिल्कुल ही स्मूथ टेक्सचर वाली ग्रेवी चाहिए जिसके लिए इसे आप छान लें और इससे आपको बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेक्सचर मिलेगा और जितने भी खड़े मसाले हैं जो नहीं पिसे होंगे वो निकल जाएंगे। यहाँ इसे अच्छे से छानने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छे से सारे ग्रेवी को निकाल लें। तो आप इसी तरीके से सारे प्याज और टमाटर वाले मिक्सचर को ग्राइंड करें और इसे छान लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और सिल्की है। तो अब इसे साइड रख दें और अब एक पैन लें और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून के करीब तेल डालें और 2 टेबलस्पून के करीब बटर डालें और इसे हाई फ्लेम पर 30 से 40 सेकेंड के लिए गर्म कर लें और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब फ्लेम को लो कर दें और अब इसमें डालें 1 टेबलस्पून के करीब अदरक के लच्छे जिसे मैंने पतला पतला काट लिया है और डालें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी 10 से 15 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर पका लें और उसके बाद फ्लेम को हाई कर दें और इसमें डाल दें पनीर के टुकड़े। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर यूज़ किया है और इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए दोनों तरफ से पका लें जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा ना पकाएं वरना यह बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और हार्ड पनीर कभी भी खाने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए बस इसे थोड़ा सा ही पकाएं।
और यहाँ पर हमारा पनीर लाइट गोल्डन हो चुका है, तो अब इसमें डाल दें ग्रेवी। और यहाँ पर हमें ग्रेवी को डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि इसे हमने पहले ही बहुत अच्छे से पका लिया था। और अब फ्लेम को हाई कर दें और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं और इसे चलाते भी रहें। और यहाँ इसे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। और अब इसमें डाल दें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब क्रीम। सो दिख रही है ना, ये शाही पनीर बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, लाइक रोटी, पराठा, नान। और इसमें डाल दें थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चुटकी भर गरम मसाला पाउडर। और अब फ्लेम को ऑफ कर दें। सो हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर रेडी है। और इसकी रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं।